आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आंसर की वर्कशॉप अनकैलकुलेशन का फर्स्ट ईयर का, जो अभी हाल ही में एग्जाम आपका हुआ है 2 अगस्त 2019 को, उसी का आंसर की ये है। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की नहीं है, यह अनऑफिशियल आंसर की यह किसी वेबसाइट पर भी जारी नहीं हुआ है। आप वेट करिए, कम से कम 10-15 दिन आपकी आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी, उसके बाद हम उसको भी जारी कर देंगे। उससे पहले आप इस आंसर की मिला लीजिए अपना, लगभग इसमें सारे क्वेश्चन सही हैं, बहुत ही ये देख रेख के बनाई गई आंसर की है, इसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं है, बहुत ही कम संभावना हो सकती है, लेकिन कोई भी संभावना नहीं हो कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो, पूरा आपको सॉल्व सोल्यूशन मिलेगा A to Z आपको। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि टेक्निकल रोबोट का नाम बदलकर अब टेक्निकल एजुकेशन हो गया है, तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद यहाँ पर, कि सभी लोगों ने यहाँ पर बताया भी था हमें कि इसका नाम बदलकर टेक्निकल एजुकेशन कर देना चाहिए। हमने वोटिंग भी करवाया था तो लगभग 70% बच्चों ने बोला था कि टेक्निकल रोबोट का नाम बदलकर टेक्निकल एजुकेशन कर देना चाहिए, तो हमने यह नाम बदलकर टेक्निकल एजुकेशन कर दिया है। आप सभी लोग देख रहे होंगे चैनल का नाम बदलकर टेक्निकल एजुकेशन हो गया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं, अब देखिए यहाँ पर टेक्निकल रोबोट का नाम बदलकर क्या हो चुका है, टेक्निकल एजुकेशन हो गया है। तो आप लोग इसमें चेंज हुआ है तो आप लोग इसमें घबराइएगा मत, क्योंकि इसका नाम बदलकर टेक्निकल एजुकेशन हो गया है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आए थे और टोटल आपके 50 नंबर के थे, तो आपको टोटल 1.5 घंटे का समय मिला था, और इसमें देखिए 25 क्वेश्चनों में से बहुत सिंपल प्रश्न आया था, जो हम आपको बताए थे कल प्रश्न, जो बच्चे उसको पढ़ के गए होंगे लगभग वैसे क्वेश्चन ही मिलते जुलते आए थे, उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, आशा करता हूँ सबका पेपर अच्छा जाए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको आंसर की बताते हैं, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है CGS सिस्टम में लेंस की यूनिट क्या होगी, यानी कि CGS में इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए इसमें लिखा है किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, तो पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आपका बी वाला आंसर का आंसर सही होगा, बी वाला सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है लिखा, इसमें है इनमें से एक फेरस धातु है, देखिए फेरस धातु कौन इसमें है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, एल्युमिनियम, ब्रास, लेड और पिग आयरन, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ब्रास, ब्रास जो आपका है फेरस धातु, इसमें से एक फेरस धातु है लिखा है, इसमें से क्या एक फेरस धातु है, तो जो ब्रास है वो आपकी नहीं है। आप इसको जब पढ़ेंगे इंग्लिश वाले में लिखा उसमें विच इज द नॉट फेरस धातु, तो उसमें क्या होगा आपका बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, इसमें ब्रास होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा इस प्रकार है लिखा, इनमें से क्या विद्युत का संचालन करती है, 4 ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट, और इसमें देखिए रबड़, जूट और सब दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होगा आपका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा इस प्रकार है लिखा, इसमें 0.72 दशमलव संख्या को अंश में फ्रैक्शन में परिवर्तित करें, जब इसको परिवर्तित करेंगे तो कुछ इस तरह परिवर्तित करेंगे, इसका आंसर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा आप इसको देखिएगा, देखिए ऐसे आप इसको परिवर्तन कर देंगे, यहाँ पर आपका ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप जब चेंज करेंगे तो 72/100 हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18/5, तो 18/5 आपका आंसर आया होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आपका 18/5 देखिए यहाँ पर आंसर आया है, तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा इस प्रकार लिखा, 1 किलोग्राम भार के बराबर होता है, तो बहुत लोग बच्चों कन्फ्यूजन थी इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा 9.81 न्यूटन, देखिए इसका आंसर मैंने गूगल भी किया था, आप भी इसको कर सकते हैं चेक, देखिए यहाँ पर लिखा है द आंसर इज द 1 kg किलोग्राम यूनिट इन अ वेट इज 9.81 न्यूटन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग के लिए एकदम प्रूफ लेकर मैं आया हूँ पूरा इस वीडियो में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, घनत्व और विशिष्ट गुणोत्तर के बीच मुख्य अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भार, यूनिट, द्रव्यमान, आयतन, तो छठवां का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, छठवां हो जाएगा आपका ए वाला, क्या हो जाएगा भार, वेट आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सातवें क्वेश्चन पर, जो हमारे इस प्रकार ने पूछा है कि 47 61 का वर्गमूल के बराबर होगा, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका 69, अगर आपको वर्गमूल नहीं निकालने आता होगा, अगर आप देखेंगे आप ऐसे ही किए होंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए वर्गमूल आपको ऐसे फाइंड करना होता है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप दो दो का पेयर बना देंगे, उसके बाद देखेंगे छछड़ा के क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि 6 6 जा 36, तो आप क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ पर 11 आ जाएगा, फिर बचा हुआ आप यहाँ पर इसको उतार लेंगे, उतारने के बाद आप क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 + 6 = 12, और यहाँ पर आप 9 लिख कर ऐसे
नंबर से आप इसमें डिवाइड करते हैं जो इसके डिवाइड हो जाए, तो आप 9 से कर देंगे यानी कि 69 आपका आंसर हो जाएगा और ये दोनों नीचे वाला कट जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 69। 69 आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, बहुत ही सिंपल था। 20 का वर्ग क्या होगा? इसका होगा 400, बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा कि अच्छा क्वेश्चन था। लिखा था कि वेग परिवर्तन के दर में बदलाव को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका भी आंसर 9 वालों का मैं यहाँ पर नीचे लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जब आप इंग्लिश का इंग्लिश में देखेंगे उसमें लिखा होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलते हैं? उसको है एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा? एक्सेलरेशन, ये आपका आंसर। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? सी, त्वरण। त्वरण को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो हमारा इस प्रकार है। देखिए पूछा गया है एक ढलाई का भार 2 किलोग्राम है और अन्य ढलाई 200 ग्राम हो, तो दोनों का भार की तुलना कीजिए। तो 10 का आपका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपका सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पूछा है कि 5 किलोग्राम के 250 ग्राम के प्रतिशत में बदलिए। देखिए इसका आंसर होगा जो 5% होगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व किया हूँ आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आप अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका 5% आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको ग्राम में है, फिर जो 5 kg है उसको भी आप ग्राम में चेंज कर देंगे 5000 हो जाएगा। गुड़े आप 100 कर देंगे, जब कटाई पिटाएंगे यानी कि भाग गुड़ा भाग इसमें देंगे कटाएंगे इसको, तब आपका 5% आ जाएगा, 5% ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा इस प्रकार है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पूछा है एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी। देखिए आपको मैं बताया था कि एसआई यूनिट से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे, हर बार आते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल होता है, जूल। इसका आपका आंसर डी वाला सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए इसमें लिखा घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 13 वाला। तो मैं यहाँ पर घटाया हूँ 13 वाला, आपको दिखाता हूँ 13 में आपका। देखिए 13 वाला यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपका है, देखिए 3x² + 2y² जो आप इसको घटाएंगे अंदर वाली ये साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ प्लस हो गया है, प्लस होने के बाद आपका क्या होगा? जब देखिए यहाँ पर जो एक्स वाले हैं एक्स वाले को एक साथ ले लेंगे, वाई वालों को एक वाई के साथ ले लेंगे, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। और ये अब इसको आप जोड़ देंगे 3×2 = 5y² हो जाएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 13 का आपका ए वाला सही होगा। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिया गया है दिए गए समीकरण को हल करिए। दिए गए समीकरण जब हल करेंगे आप तो आपका 3/5 आएगा। कौन सा आएगा? 3/5। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा इस प्रकार है। आपको हम दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 15वां क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो दोस्तों मैंने इसको बहुत ही सॉल्व किया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन ही हमें गलत लग रहा है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं अगर आपका इसको आंसर पता हो। 15 का हमें क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। अगर आपको सही लग रहा हो तो, अगर आपको आंसर पता हो तो हमें कमेंट करें कि 15 का ए होगा, 15 का बी होगा, जो भी हो अगर आपको आता है तो हमें कमेंट जरूर कर बताएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है कि उस त्रिभुज का परिमाप बताएं जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 हैं और सबसे लंबी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 16 का, तो 16 का आपका सी वाला आंसर आपका सही होगा, 36 सेंटीमीटर। 16 का आपका कितना सही होगा? सी वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा इस प्रकार लिखा है, उस समांतर भुज चतुर्भुज की ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला। तो देखिए आपका होता है ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई होता है। देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का फार्मूला होता है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, एरिया इक्वल टू क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका दे दिया है 10 और हाइट आप h रख देंगे और वो एरिया यहाँ पर 120 रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे h की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा इस प्रकार लिखा है, इनमें से क्या ऊर्जा का एक रूप है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है 18 का आपका, तो इसमें आपका बी वाला सही होगा, बी वाला ऊष्मा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा इस प्रकार है, लिखा है एक इंडक्शन स्टोव कौन सी उसमें ऊर्जा परिवर्तित की जाती है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है 19 का, तो आपका इसमें से सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा? विद्युत ऊर्जा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है बर्फ की व्यक्त ऊष्मा कितनी होती है, आपकी कितनी हो जाएगी? 80 कैलोरी ग्राम।
आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है, कॉस थीटा का विपरीत आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो 21 का आपका क्या हो जाएगा, सी वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 22 वाला दिखा है एक साधारण मशीन में लगाए गए प्रत्येक में 25 किलोग्राम है और मशीन का लाभ 8 है, तो इसका उत्पत्त भार क्या होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 22 का आपका कौन सही होगा, ए वाला 150 kg। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा इस प्रकार है पूछा है कि 0, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम को 3 रजिस्टर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो सर्किट का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया, आपको दिखा देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा ये। देखिए समांतर में क्या होता है, समांतर का फार्मूला ये वाला होता है, R1 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जब इसमें आप पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आपको करना क्या होता है, तीनों का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, 12 आने के बाद आपको करना क्या होता है, एलसीएम को डिवाइड करना पड़ता है, इसमें जितना डिवाइड करने पर उतना ऊपर हम लिख देते हैं, यानी कि 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, जब इसको जोड़ देंगे 3, 2, 5, 1, 6 हो जाएगा और 6/12 हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन आपका यहाँ पर पूरा भी यहाँ पर आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, और यहाँ पर 1/R1 = 1/2 हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R = क्या आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका, 2 ओम, तो 2 ओम आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, तो आपका आंसर नंबर 1 वाला सही होगा, यानी कि फर्स्ट वाला। अब देखिए विद्युत ऊर्जा यहाँ पर किसका फार्मूला होता है, P = जानते हैं क्या होगा, P = आपका होता है P = V/I होता है, P = V/I होता है, क्या होता है, P = V/I, तो आपका 24 का क्या ऑप्शन होगा सही, सेकेंड वाला, वी वाला आपका आंसर ही होगा, वी वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है इनमें से क्या इंसुलेशन एक उदाहरण है, देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो आपका इसमें आंसर सही होगा माइका, क्या होगा आपका, माइका। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, पसंद आया चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा और एक दूसरे को बताइएगा, अगर आपको कुछ समझ में आवे तो कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को, मेरा चैनल का नाम बदलकर टेक्निकल रोबोट से टेक्निकल एजुकेशन कर दिया गया है, क्या हो गया है, टेक्निकल रोबोट से टेक्निकल एजुकेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।